पुंछ में तीन रोज़ा मल्टी मीडिया कन्वेंशन इख्ताम पज़ीर। इख्तितामी तकरीब में ज़िला तरक्याती कौंसल की चेयरपर्सन ताज़ीम अख्तर बहसियत मेहमान खुसूसी हुई शरीक। शुरका में किए इनाम तकसीम, रंगारंग तमंदनी प्रोग्राम भी किए गए पेश। तो अभी तक जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह का ऑपरेशन वगैरह हो गया, बदली थी ऑपरेट का जो था वो पूरी तरह से ठीक हो गया। जिनके फोटो यहाँ पे अवेलेबल हैं, सलाम पेश करता हूँ। हमारे जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, यहाँ पुंछ के जितने भी हमारे नोडल ऑफिसर हैं या लोग हैं, यहाँ स्टूडेंट हैं, बहुत सारे गांव से लोग आए हुए, उन सबको मुबारकबाद देती हूँ कि यहाँ पे आए, इन्होंने हिस्सा लिया, यहाँ पे इस प्रोग्राम के हिस्सा बने, तो इस सब के लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। धुंधक मढ़ोट सड़क खस्ता हाली का शिकार, मुकामी लोग मुश्किलात से दो चार। सड़क की मुरम्मति न करने पर तहसील इंतजामिया और जिला इंतजामिया खुसूसी तौर पर मुतल्लिका महकमा को बनाए तनकीद का निशाना। आला हुकाम से मुदाखलत करके सड़क की मुरम्मति और मैग्नमाइजेशन करने का किया मुतालबा। देख सकते हैं कोई रोड भी अच्छी नहीं है, बहुत बहुत खड्डे पड़े हुए हैं। अगर कोई पेशेंट बीमार हो जाए, जैसे कोई प्रेगनेंट लेडी हो, तो उसको हॉस्पिटल में ले जाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि ये जो रोडें टूटी फूटी हैं, इनको दोबारा से मरम्मत किया जाए। और ये सब इस वक्त में पेडिश हूँ, अब गाड़ी का बहुत चलना ही मुश्किल है, छोटी गाड़ी हम चल सकती नहीं है, तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। हर चीज़ ये पोजिशन है कि नाला भी बीच में चलता है, घर पर ही उठा के ले जाओ, वहाँ तो फिर पहुँचता बंदा। तो क्या स्टेशन की नायली की वजह से पैसा आता है, फंड खा जाते हैं, यहाँ कोई काम नहीं होता ग्राउंड लेवल पर। मुतालबा ये है कि हमारा जल्द से जल्द जितना हो सके एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस रोड पर ब्लैक टॉप होना चाहिए। और उससे पहले सुना है कि तहसीलदार साहब ने कहा कि इसमें कुछ मेटलिंग वगैरह करनी है, तो वो मेटलिंग हो जाएगी तो ठेकेदार अपना काम करेगा अगला, तो ये जल्द से जल्द हो। द्रुगली नाला पुल 8 साल बाद भी तामीर न हो सका, सरपंच नंगाली ने किया बरहमी का इजहार, पुल की मुरम्मति का किया मुतालबा। चौदह में ये हमारे देखते देखते खड़े थे, यहाँ हम बारिश हुई, पीछे पानी आ गया, तो ये पुल 5 फुट नीचे बैठ गया, एक पायस का बैठ गया। तो आज 8 साल हो गए हैं, बार बार मीडिया में कहते हैं, बार बार जहाँ भी बीच साहब का दरबार लगता है वहाँ यादव साहब ने लगाए, उनको बोला, उनसे पहले जितने भी डीसी आए, डीसी साहिबान आए, उनको बोला, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है एडमिनिस्ट्रेशन की, कोई फंड की वजह से कोई प्रॉब्लम है। मैं हाई कमान जो है गवर्नमेंट हाई लेवल के जो बंदे हैं उनसे उनसे ये कहता हूँ कि प्लीज़ इस पुल के बारे में कुछ करें। हिमायत स्कीम के तहत 29 RR के इश्तराक से 28 बच्चे खसूसी तरबियत के लिए जयपुर रवाना किए गए। बच्चों की तरफ से किया गया फौज का और हिमायत का शुक्रिया अदा। मेरा नाम आफिया है, तो हम जयपुर जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कोचिंग करनी है 3-4 मंथ की, उसके बाद हमें जॉब मिलेगी, तो जिसकी वजह बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जो हम ख़त्म करना चाहते हैं। हमारा मेन मकसद स्कीम के थ्रू है, इन बच्चों को सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ के बच्चे इतने फाइनेंशली मतलब फाइनेंशली वे में कोई बच्चा ऐसा ना हो कि मतलब कोर्स करना है, पैसे नहीं है तो बच्चा कर ना पाए, इसलिए गवर्नमेंट ने ये कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, गवर्नमेंट इसके लिए सारा पे करती है, और बच्चे को हम इन 4 मंथ्स में जॉब के लिए तैयार करेंगे एंड 100% बच्चे की प्लेसमेंट होगी। अगर आने वाले बच्चों के लिए आने वाले टाइम में जब 4 मंथ के बाद ये बच्चे ट्रेनिंग कर लेंगे, हम इनको जॉब्स देंगे, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है,
महकमा फूड सेफ्टी के असिस्टेंट कमिश्नर महमूद ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों और बाल आश्रम पूंछ का अपनी टीम के हमरा किया दौरा। बच्चों को दी जा रही खुराक के हवाले से ली जानकारी। सेहत अफसा खुराक बच्चों को फराहम करने की दी हिदायत। 200 साल के लोग वो हमसे बेहतर हैं। इसके लिए हमने एक स्पेशल ड्राइव चलाई दी है पूंछ में। यहाँ के हमने 15 सैंपल उठाए थे, उसमें से 3 सैंपल गलत आए थे और किसी जगह भी दूध या नमक या किसी जगह आपको ये लगे। नमक के लिए मैं आपको इस वजह से आपने बीजी खराब चीज वाली लोग खाने थे। अगर आपने घरों में जाएं आप फ्रूट आप लोग जो है वो ठीक है, जंक फूड नहीं खानी है, उसको छोड़ दें। अगर आप छोड़ देंगे तो परेशानी वाली बात है। जो आप गाँव से बच्चे आए हैं आपको ये लगेगा कि यार कितना टेस्टी है। स्कूलों पे हमने यही लेक्चर दिया है। आज हम बाल आश्रम में आए थे, पर्याटी में हमने उनका खाना चेक किया और खाना बड़ा अच्छा था, बेहतर था, बेशक कम था पर अच्छा था। इन बच्चों को भी हमने फूड सर्टिफिकेशन पर किया है और इनको जंक फूड पर स्पेशली हमने डिफरेंट स्कूलों में भी यही लेक्चर दिया है कि जंक फूड खाने से परहेज करें। इन बच्चों को दीजिए, बेचारे बेकस और बेसहारा बच्चे होते हैं, इनको स्पेशली फोकस करके हमने कहा कि जंक फूड ना खाएं। इंडिया में ईट राइट कैंपस एक पार्ट है जिसमें इनको रजिस्टर किया गया है। ऑल ओवर इंडिया भी इनको देखा जाता जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है कि क्या वो जो लोग रजिस्टर्ड हैं हमारे साथ वहाँ कोई कमी तो नहीं है। हमारा स्टाफ जो है रेगुलरली इसको चेक करता है। टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी का एक वक्त नजम जाफरी की कयादत में चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ से मिला। टाइम बॉन्ड प्रमोशन करने का किया मुतालबा। टाइम बॉन्ड की आज ही शाम को जो कोशिश करेंगे वो चढ़ाएंगे, मगर इतने यकीन दहानी दिलवाए कि इसी हफ्ते में जो है टाइम बॉन्ड प्रमोशन जितनी फाइलें हैं वो क्लियर की जाए। साथ साथ में बहुत से मसाइल पर जो है जहाँ बात हुई वहीं पर सीओ साहब ने एक बात हमें क्लियर तक कही जो हम चाहते हैं कि जो हमारे मीडिया के सामने जो है हम लोग खड़े हैं वो बात ज़रूर करें कि कुछ लोग जो हम में और सीओ साहब ने ये कहा कि मैक्सिमम लोग जो स्कूल साहब ने कहा है, डायरेक्टर से बिगड़ा शिक्षा ने कहा है कि आप हमें बिल दो, हम उसके लिए जो है फंड्स जो है पैसा जो है वो रिलीज करेंगे। और इसके साथ साथ बड़ी बदकिस्मती से हमें यहाँ पे जो बातें सुननी पड़ी सीओ साहब की, उसके लिए मैं भी दो लफ्ज कहना चाहता हूँ नजम साहब की तरफ से, अपनी इस पूरी फोरम की तरफ से। वो उस्तादा जो अपनी ड्यूटी से कोताही कर रहे हैं, अगर आइंदा कहीं भी ऐसा कोई मसला बनता है तो टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी हरगिज उन टीचरों का साथ नहीं देगी जो आपने फरीजा के साथ धोखा कर। यशन तंजीम ने महकमा एक्साइज राजौरी पुंछ रेंज के इश्तराक से इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में खेलों का किया इनेकाद। बच्चों को मंशियात से दूर रहने की गई तलकीन, बच्चों की जानिब से अपने खेलों के मुजाहरे किए गए। चेयरपर्सन जिला तरक्याती कौंसिल ताजीम अख्तर और म्यूनसिपल कौंसिल के चेयरमैन ने बच्चों में किए इनाम तकसीम। जो स्पोर्ट की तरफ बच्चों का जो ध्यान डाइवर्ट करके स्पोर्ट की तरफ रखा जाए ताकि इस नशे से दूर रहे। तो लोरन में पसे गिराने से मुतअद्दिद दुकानें और मकानात तबाह, जमीनों को भी हुआ नुकसान। मुकामी समाजी व सियासी कारकुनान ने मुतासरीन को सरकारी इमदाद देने का किया मुतालबा। तो वो सर सारे जो है उसमें जो सामान था वो भी तबाह हो चुका, तो बाकी जो है उसके साथ में दो मकान थे उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो बाकी सर हम आपके माध्यम से जो है यही एडमिनिस्ट्रेशन को, आपने डी सी साहब को, तो हाई कमान तक यही जो है आपके माध्यम से ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि सर गरीबों के लिए जो है कुछ गरीबों की हेल्प की जाए। तो इन जो जितना ये नुकसान इधर आया इसकी मदद होनी चाहिए।
इनकी मदद होनी चाहिए। देखो जितना नुकसान हुआ आप खुद देख सकते हो कितना नुकसान हो गया है। वो रोड के ऊपर है और बड़ा कोई अफसर भी आ यहाँ पर देख सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि गरीबों की मदद करना बहुत ज़रूरी है इस हालात में। उस टाइम मैं यहाँ पर नहीं था जो यहाँ। डीसी बारामूला ने खसूसी बच्चों के साथ वक्त गुजारा, बच्चों के हुनर के मुताबिक उनसे गीत सुने और उनकी हौसला अफजाई की, उनमें इनामात भी किए तकसीम। जम्मू में FAA उम्मीदवारों और दीगर इम्तिहानात में कामयाब तलबा का एहतजाज जारी। भारतीय जनता पार्टी के सूबाई दफ्तर के बाहर किया गया गुस्सा का इजहार। जस्टिस होगा तो आज इनने हमारे साथ कल जस्टिस की है, तो उसी खुशी में हम लोग इनको मिठाई खिलाने जा रहे हैं। 40 दिनों तक आप पहले बैठे रहे, इसके बाद नेक्स्ट डे पता चला कि स्क्रैप कर दिया। सर उम्मीद तो थी हमें कि अगर ये लोग स्कैम कर सकते हैं, इनके पास वो सारा है लोग कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, तो ये लोग, इनके पास फिल्टरिंग का भी ऑप्शन है, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है, हमारी बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो बोलती हैं कि नहीं फिल्ट्रेशन का इनके पास ऑप्शन है, बट नहीं सर इनको नहीं करनी है फिल्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि फिल्टर करके तो बड़े सारे बंदे जो है ना, बड़ी बड़ी मछलियाँ जो बोलते हैं कि वो बाहर आ जाएंगी ना, तो इसीलिए इनके पास फिल्टरिंग का ऑप्शन नहीं था। इनने हमारे गले घोटे, हमें स्केप गोट बनाया, हमें बलि का बकरा बनाया इनने। जो मेहनत आप लोगों ने की थी लंबे वक्त तक, और अब कह रहे हैं कि दोबारा से एग्जाम सर एग्जाम दोबारा हम लोग देंगे एग्जाम दोबारा, और कोशिश करेंगे हम दोबारा ये सारे जो बच्चे हैं जो अपनी मेहनत से आए थे वो दोबारा इस लिस्ट में आए, और हम लोग कोशिश करेंगे आने की, बट उससे पहले हमें वो सारे स्कैमर्स बाहर चाहिए, क्योंकि हम लोग उनके साथ तो एग्जाम नहीं देंगे। क्या गारंटी है कि अगले बार वो दोबारा कुछ स्कैम ना करें या कुछ।